नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं जाने माने तबला वादक, भारतीय विद्या भवन में जो बरसों बरस से वहां बच्चों को तबले की तालीम दे रहे हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पंडित राजकुमार मिश्रा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्कार। पंडित जी, पहले तो इस अनुभव के बारे में ही बताइए, क्योंकि ये अनुभव ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि ये बिल्कुल ही कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बहुत सारे कलाकारों ने किया है ये काम, लेकिन विदेश में जाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की तालीम देना, उसका प्रचार प्रसार करना, किस तरह का फीडबैक मिलता है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, और आप कितना एंजॉय करते हैं इसको? पहले तो मैं आपको आपका उत्तर दूं। लास्ट क्वेश्चन का मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं, नहीं तो मैं 19 साल मैं इधर बिता नहीं पाता। क्योंकि लंदन एक ऐसा शहर है जहाँ पे कोई भी आता है वो उनको उनको अपना ही लगता है, पहली बात है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं सिखा के बहुत मुझे मजा आ रहा है और डेडिकेटेड स्टूडेंट भी मुझे लग रहा है, मुझे मिल गया है काफी, और मिल भी रहा है। और ऊपर से क्या है कि एक्चुअली डेडिकेशन क्या है, डेडिकेशन बहुत बहुत ही जुड़ा हुआ है ऑनेस्टी से। डेडिकेशन जो है, हम लोग डेडिकेशन हर वक्त यूज करते हैं, बहुत जगह पे यहाँ वो डेडिकेटेड है, लेकिन डेडिकेशन मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं देखता हूँ, मैं लाइफ वाइज डेडिकेशन देखता हूँ। तो उस हिसाब से तो डेडिकेटेड है ये लोग, क्योंकि दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी ऑनेस्ट। तो उस हिसाब से तो इसीलिए इन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मैं भी बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ। हाँ, मेरे लाइफ में भी बहुत ट्रांसपेरेंसी मैं रखने की कोशिश करता हूँ, हालांकि डिप्लोमेसी की जगह थोड़ी बहुत है, हिपोक्रेसी को मतलब कि बाहर रख के। तो इसीलिए यहाँ पे डिप्लोमेसी है और इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत मजा आ रहा है, और स्टूडेंटों को का ऑनेस्टी के ऊपर डेडिकेशन है, तो इसीलिए बहुत इजी है कनेक्ट करना मेरे लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ईगो ईगो को बहुत नीचे हम लोग रख सकते हैं और सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखिए, तो इसीलिए बहुत मजा आ रहा है। और ये 19 साल मेरा कैसे दिन बीतता है मुझे पता नहीं। और मैं आप तो कब 3 4 दिन पहले मुझे बोला, लेकिन मैंने आपके साथ बहुत ही मेरा स्पेशल एक बहुत रिलेशन रहा, इसीलिए मैंने टाइम निकल पाया। और तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है लंदन में, और मजा आ गया यहाँ पे, और मेरा कुछ स्टूडेंट भी अच्छा अच्छा बजा रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, ये आपका स्नेह रहा है मेरे प्रति और हमारी संस्था के प्रति, इसके बारे में तो खैर हम लोग अलग से भी बात करेंगे। और मुझे तो पता है कि 20 साल पहले करीब किस तरह से परिस्थितियां बनी थी जब आप लंदन गए थे, और उसके बाद किस तरह से वहां पर वो सफर शुरू हुआ। लेकिन सब्सक्राइबर्स के लिहाज से, चूंकि उनको नहीं पता होगा इसलिए वो कहानी भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले इंटरव्यू की रवायत के हिसाब से, चूंकि आपके यहाँ तो संगीत की परंपरा रही है बरसों बरस से, उस परंपरा को जानना चाहेंगे, आपको आपके बचपन में ले चलेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे बहुत ही बुनियादी प्रश्न, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? एक्चुअली शुरुआत जब मेरा होश आया तब मैंने देखा मेरे पिताजी मेरे लिए छोटा तबला बाया खरीद के, और मिट्टी का बाया होता था उस टाइम में, तो बहुत ही छोटा एक तबला बाया और मिट्टी का बाया वो मेरे मेरे लिए मैंने मैंने देखा मेरे लिए ये है, तो मैं तबला बजाता था। लेकिन उससे पहले मैंने डांस शुरू किया था, डांस मैंने पिताजी से शुरू किया था, पंडित राम गोपाल जी, तो वहां से। लेकिन उसके बाद कुछ कारणवश मैं कुछ डांस कंटिन्यू कर नहीं पाए, तो तबले में मैंने घुस गया। तो उस समय से तबला को मैं थोड़ा बहुत कम रियाज उस टाइम में करता था, लेकिन पिताजी का गुस्सा डांट ये सब करते करते आहिस्ता आहिस्ता जब पिताजी अनटाइमली उनका डेथ हो गया 1979 में, तब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि हाँ मुझे ये करना है। हालांकि मेरा जो मैंने मेरा ग्या मतलब कि 11th जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग 11 11वीं पीढ़ी है हमारे घराने का, जयपुर घराने का
डांस का और तबले का, तो इसलिए बहुत ही लंबा लेकिन मैं 10th है, साबिरी 11th है, तो उस हिसाब से काफी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था और प्यार था। और वो प्यार से क्या हुआ, क्योंकि घर में हर वक्त जो भी मेरा तालीम हुआ पिताजी से, वो कोई लिख के नहीं हुआ, सबकॉन्शियस माइंड में तालीम हुआ, तो प्यार वहां से ही, वो बस चलते फिरते हर वक्त दादा तेते दादा तुन्ना जो भी है कुछ भी, या अटाथे अटाथे ये सब सब कुछ आता था, तो मुझे याद कुछ करना नहीं पड़ा, सब मतलब बहुत होता है ना, ABCD FGH IJK LMN OP, तो इस हिसाब से वो मेरा लहन में तबला घुसता गया, तालीम घुसता गया। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, तो कभी कभी अभी जब मैं सिखाता हूँ, जब तब बोलते हैं कि गुरु जी ये इसका 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 मतलब क्या है, तो मैंने मतलब बाद में समझना, क्योंकि मैं भी मतलब बाद में समझे, पहले सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया, जैसे आर्य सभ्यता के टाइम में होता था ना, कि गुरु बोलते थे हम सुनते थे, तो पिताजी वही हम लोग ऐसे करके, और ऊपर से माता जी, मेरा माँ अभी अभी का बहुत ही जाने माने गुरु गुरु है, उनका बहुत स्टूडेंट है कलकत्ते में, तो माता जी का भी स्नेह रहा, क्योंकि पिताजी गुजर गए उसके बाद माता जी का छत्रछाया में मैंने खुद को बड़ा किया, तो ऐसा ऐसा, और रियाज बहुत किया, रियाज तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में क्वांटिटी से क्वालिटी की जरूरत बहुत होती है, तो इसीलिए वो बस वो करते करते बस उसके बाद लंदन का जीवन शुरू हुआ 2003 से। बिल्कुल। और जो सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको बता दें कि युवा कथक डांसर हैं साबेरी, साबेरी पंडित जी की बेटी हैं, जैसा उन्होंने बताया कि 11वीं जनरेशन है। उनका इंटरव्यू रागगिरी के लिए हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आप वो इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जरूर उस इंटरव्यू को भी देखिए, क्योंकि आपको कथक पर एक नए कलाकार का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या सोच है, वो किस तरह से इस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को लेकर आगे बढ़ रही हैं, ये सब कुछ जानने को मिलेगा। पंडित जी, कई बार क्या होता है कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप लोग के बारे में जानकारी तो होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कुछ वहां गलत भी लिखा होता है। हम अपने कलाकार से हमेशा विनम्रता से ये गुजारिश करते हैं कि आप जब 11 पीढ़ी या 10 पीढ़ी कहते हैं तो थोड़ा सा आप खुद ही बताइए उसके बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, उनके आगे पीछे की पीढ़ी, ताकि उस घराने की जो नींव है उस नींव की मजबूती का एहसास भी हमें हो सके। एक्चुअली पहले मैं माता जी के बारे में बोलूंगा, क्योंकि माँ अभी 87 ईयर्स ओल्ड है, और माँ का माँ मा, मेरे नाना जी, माँ के पिताजी, वो कॉनेशियर थे म्यूजिक का। उस टाइम में उन्होंने मेरे दादाजी को, पंडित जयलाल जी को, उस टाइम का बहुत ही बड़े कलाकार थे वो, तो पंडित जयलाल जी को उन्होंने कलकत्ते में लाए थे, तो पंडित जयलाल जी 1.5 साल रहे, और मेरा नाना जी का एक स्कूल था, उनका उसका नाम था वाणी विद्या विथी, कलकत्ते का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन था, वहां पे हेमंत कुमार जी सिखाते थे, वहां पे वाहिद खान साहब सिखाते थे, वहां पे जगन्मय मित्रा जी सिखाते थे, सब सब सामने पीढ़ी के कलाकार सब लोग सिखाते थे वहां पे, तो वहां पे मेरे दादाजी को उन्होंने अपॉइंट किए थे और कलकत्ते में ला के, क्योंकि उस टाइम उससे पहले मेरे दादाजी इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद से उन्होंने उनको लाए थे, तो उस हिसाब से मेरा माता जी दादाजी के पास सीखने लगे, तो उस हिसाब से पिताजी, तो अब माता जी के साथ पिताजी का वहां भी मुलाकात हुई, तो ये, और फिर माता जी का भी, तो माता जी सिर्फ ये म्यूजिक लेके ये कथक ही सिखाते हैं, और माता जी उससे पहले उदय शंकर जी का ट्रूप में भी माता जी ने डांस किया, हाँ, इसीलिए उनका वो कुछ भी जो भी उन्होंने कोरियोग्राफ किया, वो कोरियोग्राफ बहुत ही अलग दर्जे का, अलग स्टैंडर्ड का। और उसके बाद आपको देखिए साबिरी बोलिए, और मैं माता जी का जो जितना स्टूडेंट्स है उन लोगों का परफॉर्मेंस देख के आपको मालूम पड़ जाए, पढ़ो मालूम नहीं पड़ जाएगा क्या तालीम वो देते हैं। माता जी दादाजी से सीखे थे, जयलाल जी से, और फिर एक सबकॉन्शियस माइंड में तो पिताजी से शादी करने के बाद तो वो तो होता ही है ना, सीखता रहता है, लर्निंग प्रोसेस तो हम लोगों का जीवन में होता ही है, तो वो है। और पिताजी को मैं क्या बोलूं, पिताजी बड़ा हाईली टैलेंटेड एक म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा तबला बजाते थे, लेकिन उनका डांस भी मैंने उठ के जब देख मैं देखता था, वो जब उठ के दिखाते थे रोंगटे खड़े हो जाते थे, और तालीम मैं क्या बताऊं, इतना तालीम, क्योंकि मेरे दादाजी के माफी इतना बड़ा कंपोजर मैंने, मेरा जितना समझ है,
गाने बजाने की, में ऐसा कंपोजर मैंने बहुत कम देखा है। तो उनका आधार पे, उनका कंपोजिशन जब कान में गूंजते हैं बचपन से, तब उस हिसाब से आपका माइंडसेट भी होता है। जैसे आज सावेरी का मान से माइंडसेट हुआ है, वो जो कंपोज करती है तो वो ही लाइन पे चलती है। हाँ, उसके बाद अपना टैलेंट तो घुसाती है, लेकिन तो और ऊपर से मैंने ये देखा कि टैलेंट तो है ही, लेकिन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस में रियाज की बहुत जरूरी है, और कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। तो ये हमने बहुत देखा है। और उस हिसाब से मैंने दादाजी के बारे में भी सुना था कि पंडित जयलाल जी, जिनके मेरी बुआ जी, वो जय कुमार जी, आप शायद कोई डांसर को आप पूछ लेंगे, बुआ जी उनके टाइम में सर्वश्रेष्ठ डांसर थे, जय कुमार जी उनके नाम। तो वो अभी नहीं रहे, तो दादाजी का तैयार। और इधर रायगढ़ में कार्तिक राम, कार्तिक कल्याण, फिरतू, ये सब जो आज रायगढ़ घराना बना, रायगढ़ घराने का चक्रधर राजा चक्रधर सिंह जी का मेन म्यूजिक में मेन म्यूजिशियन थे मेरे दादाजी पंडित जयलाल जी, रायगढ़ रायगढ़ का जो राज दरबार, तो बिल्कुल वहां पे बहुत लोग थे, कादर बख्श खां साहब भी थे तबले में। तो वहां पे कार्तिक राम जी की तैयारी हुआ, वहां पे कल्याण जी का तैयारी हुआ, तो दादाजी के पास बहुत लोग सीखे। तो इस हिसाब से जयपुर घराने का मेन जो प्रचार, वो मेरे दादाजी से शुरू हुआ है, जो कि आज आज आप अगर आप गूगल में जाइएगा, वो ऑब्सोलेट होते जा रहा है। आज कुछ बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि जहां पे 10th जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव है, 11th जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव, वहां पे तो कुछ तो काम तो हुआ है। और वो काम मैं आपको बताता हूँ, SRA में आज 6-7 साल पहले सावेरी का एक परफॉर्मेंस हुआ, तो वहां पे बहुत लोग मेरे जान पहचान वाले थे म्यूजिशियन कलकत्ते में। तो वो लोग आए, जब वो लोग तालीम, वो बोल बानी कंपोजिशन जब देखे, तो उसके बाद बोला ये कंपोजिशन तुम लोग तो कभी बोले नहीं मुंह से। तो मैंने बोलने की बात नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा दिखाएंगे, अगर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा नहीं दिखाएंगे। आज एक्चुअली सावेरी को लोग थोड़ा बहुत जो जाना, वो सोशल मीडिया के थ्रू, नहीं तो क्योंकि सोशल मीडिया किसी का रिलेटिव नहीं है, वहां पे आप दीजिए, आपको अगर अच्छा लगेगा लोग आपको पसंद करेंगे, तो वहां पे कोई सोर्स वोर्स की बात नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग ने, तो ये जो हमारा घराना जो चल रहा है, मेरे दादाजी का भाई थे पंडित सुंदर प्रसाद जी, जो जो दिल्ली कथक केंद्र में जयपुर घराने का डिपार्टमेंट संभालते थे। मुझे याद है अभी भी, जब पंडित सुंदर प्रसाद जी, मतलब मेरा दादाजी, छोटे दादाजी, वो जब मेरे वो उनका जब रिटायरमेंट का या तबीयत खराब हो गया, तो उन्होंने मेरे दादाजी मेरे पिताजी को ट्रंक कॉल किए थे। उस टाइम में तो फोन नहीं था, ट्रंक कॉल किए थे कि बेटा तुम आ जाओ, तुम संभालो हमारे जगह। तो मेरा पिताजी इतना मोटी थे, वो कलकत्ते में ही इतना उन लोग उनका स्टूडेंट्स जो इतना इतना तैयार, और इतना उनका मन बस गया था, तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो अगर वो एक दिल्ली कथक केंद्र में जाते, तो दिल्ली कथक केंद्र का जयपुर घराने का जो सिलसिला, उसका इतिहास और अलग होता। लेकिन उन्होंने उन्होंने इतना कैरियरिस्टिक नहीं थे, वो म्यूजिक में खोया रहते थे, उस वहां पे जो पैसा आता था उससे ही उनका दिन गुजरात चलते थे। तो इसलिए कलकत्ता वो कभी नहीं छोड़े, हम लोग भी कलकत्ता नहीं चले, जब लंदन हमको बुलाए तब हम आए। तो इसीलिए तो छोटे दादाजी पंडित सुंदर प्रसाद, जिनका शागिर्द पंडित दुर्गालाल जी, रोशन कुमारी जी, पंडित देवीलाल जी, सब ये लोग इनका शागिर्द है। तो वो जो लीनेज है, वो लीनेज बहुत लोग भूल रहे हैं। वो लीनेज अभी देखिए सावेरी कितना कर सकेगी या नहीं, कितना प्रचार में कर सकेगी, करती तो है, लेकिन तो वो जो है, वो ये हमारा जो फैमिली का लीनेज है, वो लीनेज से अभी चलता है। जो मालविका मित्र जो डांसर है, वो हमारे घर में 10 साल सीखा है, 10 साल। हाँ, और कुछ है जो है, बहुत लोग सीखा है। तो दादाजी का पिताजी, सॉरी, दादाजी का पिताजी से पंडित चुनीलाल जी, वो भी बहुत बड़े डांसर थे। तो इस हिसाब से हम लोगों का 10th पीढ़ी मेरा तक, सावेरी 11th पीढ़ी। इसीलिए पंडित जी मैंने कहा भी कि आपके मुंह से अगर हम ये जानकारी लेंगे तो फिर इसमें कहीं से कोई भ्रम या किसी तरह के कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी, और
सब्सक्राइबर्स जो इंटरव्यू देख रहे हैं उनको फिर से बता दूं कि जो अभी पंडित उदय शंकर जी का नाम लिया पंडित जी ने, वो पंडित रविशंकर यानी सितार सम्राट, पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान पंडित रविशंकर जी के बड़े भाई थे। और वो अगर सही मायनों में देखा जाए तो उनका कंट्रीब्यूशन किसी मामले में किसी भी कलाकार से कम नहीं था, खास तौर पर डांस को लेकर। पंडित जी, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मुझे तो कहानी पता है आपके लंदन जाने की, लेकिन वो कहानी भी अब बताई दीजिए कि कैसे वो सब कुछ ऐसा परिदृश्य बना, ऐसा सिनेरियो बना कि फिर आपको लंदन जाना पड़ा और फिर आप लंदन गए और वहां पर फिर आपने जो भी शुरुआत में आपने कहा जिस तरह से कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वहां पर जो लोग ईगो अपने साइड में रख के ऑनेस्टी के साथ सीखते हैं, ये कैसे शुरू कैसे हुआ था ये सिलसिला? एक्चुअली मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल सर्किट में मेरा तब तब काफी नाम हो रहा था, काफी नाम हो रहा था। बड़े बड़े कलाकार, मैं जिनका नाम नहीं करूंगा क्योंकि शायद वो सोचेंगे उनका नाम ले रहा हूँ, उनका नाम लेके मैं खुद का पब्लिसिटी कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पसंद भी नहीं है इतना पब्लिसिटी। इसीलिए बहुत उस्ताद, बहुत पंडित, वो लोग जानते हैं मैं उन लोगों के साथ। उस टाइम में बजाया था, एक साथ तीन मेन आर्टिस्ट के साथ मैं बजाता था। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज जी, मैंने देखा शिवेंद्र जी कि ये लाइन में तो हर क्लासिकल कॉन्सर्ट में मैं बजा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में बजा रहा हूँ, बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ बजा रहा हूँ, लेकिन जिस किस्म का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है वो मेरे विरुद्ध था। वहां पे मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट में थोड़ा लग रहा था, और लॉन्ग टर्म में मैं खुद का पैर को और सख्त करने की मुझे जरूरत था। इसीलिए मैंने देखा, प्रोग्राम तो करता था काफी, हर कॉन्सर्ट में मैं बजाता था, बहुत कॉन्फ्रेंस में बजाता था, सारा इंडिया में मैंने बजाया, सब तानसेन म्यूजिक, उस टाइम का तानसेन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, डोबल इन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, सब में बजाया था। लेकिन मैंने देखा आगे चल के क्या होगा, आगे चल के फिर वही मेन आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि मैं तबला वादक हूँ, वो मेन आर्टिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, वो जो बोल रहे हैं वो चाहे वो भूल बोले तो तब भी हाँ हुजूरी, समझ रहे हैं आप? ये नहीं बोलना कि सब लोग हाँ हुजूरी करके ही बड़ा हुआ है, ऐसा नहीं बोलना, लेकिन मेरा सिनेरियो ऐसा था। तो उस टाइम में मेरे एक चाचा थे, वो मेरे मेरे पिताजी का कजिन थे, उनका नाम पंडित विश्व प्रकाश जी, वो बॉम्बे में रहते थे, वो पहले वो बॉम्बे में रहते थे, 1978 में उनके साथ मैंने मिला, लेकिन वो कब लंदन चले हैं मुझे मालूम नहीं था। तो 1999 में उन्होंने मुझे फोन किया, और मैं भी 1978 में उनका मुलाकात हुआ था, फिर 1999 में उनका आवाज सुन के, उस टाइम में मोबाइल फोन भी नहीं था, कॉर्डलेस फोन भी नहीं था, लैंड फोन, मेरे घर में कॉर्ड वाला फोन था, वो फोन उठा के मैंने बोला चाचा जी, क्योंकि देखिए 1978 1999 मैं तो भूल ही सकता था, लेकिन उनका आवाज ऐसा था, मेरा निकनेम करके राजू करके बोला, और मैंने बोला चाचा जी, बोला हाँ। जैसे एक होता है ना, एक लिंक हो जाता है, भगवान है या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन एक लिंक हो जाता है। तो उस टाइम में मुझे भी क्लिक किया, वो भी राजू बोला, और मैंने बोला चाचा जी, और मैं वही बोला, वही चाचा जी, विश्व प्रकाश चाचा जी, वो उसको बॉम्बे में, उनको मैंने 1978 में मिला था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ कलकत्ते में दुर्गा पूजा कर दी। कलकत्ते में दुर्गा पूजा तो सितंबर में होता है, जिसको अकाल बोधन बोलते हैं, राम श्री रामचंद्र ने किया था। तो उस टाइम में मैंने बोला कि हाँ आ जाइए, तो बड़ा मैं तेरे घर में रहूंगा। तो हमारे घर में आया, वो एक महीना वो दुर्गा पूजा किया, फिर मुझे बोले तू लंदन आ जा। तो मैंने बोला लंदन आ जा, ऐसे बोलने से होता है क्या, कैसा क्या है ना है वो है? तो बोला ठीक है मैं देखता हूँ, बोल के वो चले गए। उसके बाद 99 2000 वो फोन करते रहते थे। मैं 99 में लंदन गए थे टू कॉन्सर्ट करने, कॉन्सर्ट टूर था मेरा, काफी पांच कंट्री में मैं गया था इंक्लूडिंग लंदन। तो उस टाइम में उन्होंने बोला कि तुझे भारतीय विद्या भवन में काम करना है 99 में। तो मैं बोला ठीक है, तो 2000 गुजर गया, 2001 गुजर गया, कोई बहुत बात नहीं, क्योंकि मैं तो बजा रहा था, जैसे चल रहा था जीवन चल रहा था। उन्होंने 2002 का लास्ट में उन्होंने मुझे फोन करके बोले कि तुमको आना है, इधर का तबला, भारतीय विद्या भवन का तबला फैकल्टी में तुमको संभालना है। तो वो मुझे
मुझे मैं चाचा जी को बोलता हूँ कि आपने मेरा लाइफ को थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा नहीं काफी चेंज कर दिया, बहुत चेंज किया, जो मैं चाहता था वही हुआ, वही हुआ। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं ये सब तेरे पिताजी तुझे छोड़ छोड़ के चले गए। वो एक बार नहीं, एकाधिक बार बोला कि पिताजी तुझे छोड़ छोड़ के चले गए, पिताजी ने तू मुझे भेजा है, तू समझ, और तू तू तुझे तू तेरा ये मैंने ये मिलना था तुझे, तो करके वो हम मुझे वो भवन भवन में भारतीय विद्वान में 2003 में 25 अप्रैल मैंने ज्वाइन किया। डायरेक्टर तो मुझे फोन किया, उन्होंने फोन किया लंदन से, और डायरेक्टर नंद कुमार जी जो जिनको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो नंद कुमार जी और पंडित विश्व प्रकाश जी मिलके मुझे बोला कि तुमको आना था है, तुमको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भेजता हूँ। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भेज के मैं साइन वाइन किया, फिर वो 2003 में से हम मेरा शुरू हुआ। उसके बाद तो मेरे पत्नी चंद्रिमा मिश्रा जी जो बुकल में यहाँ पे गुरु है, उनको भी चाचा जी ने ही उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने चाचा जी की जगह, चाचा जी वहां पे सिखाते थे, वहां पे उसका उनकी जगह पे चंद्रिमा जी को उन्होंने बैठाया। तो उनका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है, हमारा लाइफ को चेंज करने में। तो ऐसे करके लंदन आया, उसके बाद अभी लंदन तो मेरा अपना हो गया। बिल्कुल। और ये कहानी चूंकि मुझे तो याद है, कई साल पहले जब हम लोग पहली बार मिले थे दिल्ली में, आईआईसी में मिले थे जहां तक मुझे याद है, और आईआईसी में मुलाकात के दौरान आपसे मैंने सुनी भी थी, और तमाम आपके जो प्रिय स्नेही या आदरणीय कलाकार दिल्ली और इंडिया में हैं उनसे मुलाकात होती रहती है, आपके कार्यक्रमों को देखने का सौभाग्य मिला है मुझे, आपसे भारतीय विद्या भवन में जाकर लंदन में मिलने का सौभाग्य मिला है मुझे, तो जी बहुत सारी कहानियां मैं भी जानता था और मैं चाहता था कि आज आप वो कहानियां खुद से सुनाएं। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल जो है वो ये है कि आप अब बहुत लंबे समय से सिखा भी रहे हैं शिष्यों को, किन बातों का खास ध्यान रखने के लिए आप कहते हैं? डेडिकेशन आपने कहा, ऑनेस्टी आपने कहा, रियाज आपने कहा, कौन सी बातें हैं जो आप कहते हैं कि देखो अगर एक अच्छा कलाकार बनना है, एक सहज कलाकार बनना है, तो ये दो तीन चीजें जीवन भर हमेशा याद रखना? एक्चुअली अच्छा कलाकार, देखिए मैं अभी ऐसा एक स्टेटस में पहुंच गया हूं, अच्छा कलाकार तो बहुत होंगे लेकिन अच्छा कलाकार के साथ अच्छा इंसानियत बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसका मुझे मालूम नहीं है, शायद इन लोगों का कोई कॉन्ट्रस्टनेस है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन अच्छा कलाकार बनने के लिए रियाज की बहुत जरूरी है, अच्छा तालीम की बहुत जरूरी है, डेडिकेशन की बहुत जरूरी है, सबसे ऊपरी है प्यार करो, बहुत प्यार करो, जो सब्जेक्ट को लेके तुम आगे बढ़ोगे, तबला हो, डांस हो, गाना हो, उसमें प्यार करो, और ठीक गुरु चुनो। गुरु के मतलब सब गुरु ठीक नहीं है, ठीक गुरु, आजकल क्या है कि गुरु घंटाल बहुत हो गया है, लेकिन ये गुरु घंटाल चाहिए नहीं चाहिए एक्चुअल गुरु, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पिताजी, गुरु के मतलब सैक्रिफाइस है, गुरु के मतलब ये नहीं है शिष्य से छीनना है, शिष्य के ऊपर दावी करना है मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए। मेरे पिताजी को मैंने ना कभी देखा, ना मेरे माता जी को देखा, हमारे माता जी का, हमारे घर में हमारे माता जी का था द्रौपदी का क्या कि हाँ जो हड्डी है होता है ना, पिताजी बोल देते तो तुम खाना खा के जाओ, पाता माता जी कितने दिन ना खा नहीं खा के स्टूडेंटों को खिलाया, हमको नहीं मिला लेकिन स्टूडेंट को नहीं है। तो ये है गुरु, तो गुरु का तात्पर्य हमको हमको वहां से ही समझ गया, गुरु का ये मतलब ये नहीं है कि हर वक्त हम लोग ऊपर में बैठ रहेंगे और मेरे पैर धुला देंगे, ये सब गुरु ये सब, मैं देखिए 10th जनरेशन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन मैं इतना मॉडर्न बात के देखा कि ये चीज हमको थोड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु को श्रद्धा अंदर से और रेस्पेक्ट और ऑनेस्टी से रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो बहुत अच्छा दिला देगा। और रियाज करो, अच्छा तालीम लो, उसके बाद जो होगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाला और बातचीत की हमसे, और निश्चित तौर पर इस बातचीत में हमने किस्से कहानियां, आपकी परंपरा, आपका इतिहास, आपके घराने को जाना ही जाना, और साथ में शिष्यों को क्या करना है इसकी भी जानकारी आपने दी। पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।